बाल एकदम परफेक्टली स्ट्रेट काफी टाइम तक नहीं रह रहे हैं, तो आई थिंक ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो आज मैं करने वाली हूँ ये लिबॉन हेयर स्ट्रेटिंग सीरम को टेस्ट। तो क्योंकि मैं भी जब भी स्ट्रेट करती हूँ वो कुछ घंटे में वापस नॉर्मल जैसे हो जाते हैं, तो मुझे भी थोड़ा लॉन्ग टाइम हेयर स्ट्रेट रहे वैसा सीरम चाहिए था। काफी टाइम से देख रही थी और मुझे ये लिबॉन का मिल गया। दो तीन घंटे बाद आने के बाद जो रिजल्ट होगा वो मैं आपको बताऊंगी, ताकि आपको भी पता चले इसका रिजल्ट असल में है कैसा। तो लेट्स गो, पहले हम सीरम लगा लेते हैं। इसमें कुछ स्टेप लिखे हैं जो मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। सबसे पहला जो स्टेप है वो है आपके बालों को दो पार्ट में डिवाइड करना है। सेकंड पॉइंट जो है वो है आपके बालों में अच्छे से ये सीरम जो है वो लग जाना चाहिए। सिर्फ एक दो स्प्रे पंप आने से वो कुछ नहीं होगा, आपको अच्छे से पूरे बालों में एकदम टिप्स तक लगाना है। एंड एक और बात गाइस, थर्ड पॉइंट जो है वो ये है कि अगर आपके बाल एकदम से ड्राई नहीं है, अगर आप हेयर वॉश करने के बाद ये स्टेप कर रहे हो, तो आप पहले कम्प्लीटली अपने बाल जो है वो ड्राई कर लो, उसके बाद ही ये स्टेप आपको फॉलो करना है। हमेशा ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि जब भी आप हेयर स्ट्रेटनिंग करना चाहते हो, सबसे पहले आपको आपके बाल जो है वो ड्राई रखने होंगे। कम्प्लीटली ड्राई होंगे तभी वो आपको एकदम परफेक्ट स्ट्रेट मिलेंगे। तो यार लास्ट स्टेप यही है कि आप रेडी हो आपके हेयर स्ट्रेटनिंग करने के लिए, और ये स्प्रे अच्छे से लगाने के बाद आप स्ट्रेटनिंग आप जो भी आप जैसे पार्टीशन करके करना चाहते हो वैसे भी कर सकते हो, या तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हो अगर आप बहुत जल्दी में हो तो। एंड इसमें लिखा है कि अप टू 12 आवर्स तक ये आपके हेयर को स्ट्रेट रखेगा। आई डोंट नो ये कैसे वर्क करने वाला है, बट लेट्स ट्राई। सो अभी आपको अप्लाई करके स्ट्रेट करके तो मैं बाल बताऊंगी कि अभी मेरे बाल स्ट्रेट करने के बाद कैसे है, एंड दो तीन घंटे के बाद वापस आके मैं आपको बताऊंगी कि कैसे अभी वापस हो रहे वो बाल। तो ये 100 ml की जो बॉटल है वो आपको 300 rupees में मिलेगी। तो ये कुछ इस तरह है, स्प्रे बॉटल है एंड पूरी की पूरी व्हाइट बॉटल है। सो अच्छे से शेक कर लेना यूज करने से पहले। तो मैंने दो पार्ट कर ली हूँ अपने हेयर के, और अभी आप देख सकते हो काफी डैमेज लग रहे होंगे। वैसे एक और टिप देना चाहूंगी मैं कि जब भी अगर आपको ऐसे लग रहा है कि आपके बाल बहुत ज्यादा डैमेज हो गए हैं, तो आपको कट कर लेना चाहिए, भले आप थोड़े भी बाल क्यों ना कटवाओ। आई नो बहुत लोगों को लंबे बाल पसंद है, पर अगर आपको अच्छी ग्रोथ चाहिए तो फिर आपको ये करना ही होगा। सो मेरे तो टिप्स के साइड ही मोस्टली हेयर स्ट्रेटिंग करने के बाद भी एकदम नॉर्मल हो जाते हैं, ऊपर की साइड फिर भी थोड़े स्ट्रेट रहते हैं। तो एक साइड मैं लगा ली हूँ एंड थोड़ा सा वेट वेट जैसा लगता है लगाने के बाद। सो ऐसा लग रहा है मैंने बाल वापस से वेट कर ली हूँ। सब इसको मैं पहले हेयर स्ट्रेट कर लेती हूँ। अब हेयर स्ट्रेटनिंग तो आप जैसे आपको करना है वैसे कर सकते हो, तो मैं फटाफट से हेयर स्ट्रेट कर लेती हूँ और आपको रिजल्ट बताती हूँ कि हेयर स्ट्रेटनिंग कैसे हुए हैं। एंड हमें ये टेस्ट करना है कि ये कब तक स्ट्रेट रहते, तो उसके 2-3 घंटे बाद भी मैं आपको रिजल्ट बताऊंगी। तो गाइज जस्ट मैंने स्ट्रेट की और ये है रिजल्ट। इसका फॉर्मूला थोड़ा मुझे हेयर स्प्रे के जैसा लग रहा है, स्टिकी है और आपके बाल को वैसे फ्रीज रखता है बट ज्यादा टाइम तक नहीं, क्योंकि जहां तक मैंने इतना मेरे बालों को स्ट्रेट किया एंड जब मैं ये साइड का स्ट्रेट कर रही थी तब तक ये थोड़ा थोड़ा नॉर्मल होना शुरू हो गया था। आई डोंट थिंक के उतना काम किया मेरे बालों के लिए, जस्ट बिकॉज मेरे बहुत ज्यादा ड्राई एंड रफ हेयर है, तो हो सकता है मेरे बालों को ज्यादा सीरम की जरूरत है, क्योंकि मैं बहुत सारे स्टेप्स यूज करती हूँ स्ट्रेटनिंग करने से पहले। एंड मैंने सिर्फ इसको ड्राई करने के लिए सिर्फ ये ही स्प्रे की थी ताकि मेरे बाल जो है वो परफेक्टली स्ट्रेट रहे। तो लेट्स सी, फिर भी मैं आपको 1-2 घंटे बाद मिलती हूँ एंड देखती हूँ कि तब तक ये बालों की क्या हालत होती है। बिना कोई हेयर स्प्रे या कोई सीरम लगाए मैं ऐसे ही सिर्फ इसी हेयर स्ट्रेटनिंग सीरम पे आपको रिजल्ट बताऊंगी। तो गाइस आई एम बैक। तो 1.5 घंटा हो चुका है एंड आई थिंक मैंने अभी तक कुछ भी बाल में हाथ नहीं लगाई हूँ, ना ही अपने हाथों से सेट किया है। मुझे देखना था जैसा कैसा हो रहा है उसका रिजल्ट। पहले तो मुझे ये हेयरबैंड निकालने दो, तो आपको पता चलेगा और आप देख पाओगे अच्छे से। स्ट्रेटनिंग ऊपर से तो मैं कुछ कहूंगी नहीं, क्योंकि मेरे जो ये हेयर है वो पहले से स्ट्रेट ही है, एंड क्योंकि मैं उसको बांध के रखती हूँ इसलिए थोड़े वेवी हो चुके हैं, वरना तो हमेशा से स्ट्रेट ही थे। तो ये है जैसे थे, आई थिंक वैसे वापस हो चुके हैं, हल्के हल्के से ही स्ट्रेट बचे हैं। 1.5 घंटा ही हुआ है एंड ये जो छोटे छोटे बाल बाहर निकल रहे हैं, तो आपको कम्प्लीटली आपको केयर करनी पड़ेगी वैसे ही आप जैसे करते हो। तो या यही था आज का वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे। ऐसे ही मैं और भी वीडियोस लाती रहूंगी। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।